नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान चैनल। आज हम आपके लिए बिहार के बेगूसराय जिला का एक ताजा तरीन खबरें लेकर आ रहे हैं। बेगूसराय जिला में गुरुवार की शाम सपना चौधरी का स्टेज प्रोग्राम किया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां भी सपना चौधरी का स्टेज प्रोग्राम होता है पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ आती है। विराज पंथ तेरा मेरा मेल मिले ना तो के फायदा इसी यारी का, तेरा मेरा मेल मिले ना तो के फायदा इसी यारी का। यार तेरा चेतक पे चल ले तन कसका रेड फरारी का, यार तेरा चेतक पे चल ले। परंतु आयोजक सुभाष कुमार कंगन ने प्रशासन को पहले ही सूचित किया हुआ था, सारी अनुमति लिया हुआ था, काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ, भीड़ भी बहुत ज्यादा अच्छी आई। यह प्रोग्राम छठ पर्व के उपलक्ष्य में किया गया था, परंतु भगदड़ थोड़ी बहुत हुई। कुछ लोगों की जो है पंडाल पर चढ़कर देखने की इच्छा थी और आप वीडियो फुटेज में ये देख सकते हैं, मैं आपको यह समाचार वहां के प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनके द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा बताया गया है, जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं। जो स्टेज के ऊपर अमरिंदर कुमार अमर ने काफी अच्छी संचालन किया, यहां तक कि सुभाष कुमार कंगन एवं उनकी पत्नी ने भीड़ को काफी आग्रह किया कि आप लोग संयम बनाए रखें, फिर भी लोगों ने अपना संयम खोया। सपना चौधरी के प्रोग्राम में ऐसा ही कुछ होता आया है, चाहे आप कानपुर के प्रोग्राम देखे अथवा बिहार के बेगूसराय का, और वही बातें हुई। भगदड़ मची लेकिन किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुआ। जो पंडाल था वह कपड़े का बना हुआ था, पंडाल गिर गया और रात में किसी तरह उस सबको मैनेज करते हुए वहां से भीड़ को हटाया गया। मैं बेगूसराय प्रशासन को काफी बधाई देना चाहता हूँ, खास करके अवकाश कुमार जो वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, काफी अच्छा मैनेज किया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो आपने लक्ष्य भांजते हुए पुलिस का आपने फुटेज देखा होगा पेड मीडिया के द्वारा, यह अक्सर हो जाता है, क्योंकि जब पुलिस देखती है भीड़ बेकाबू है तो उसको डराने के लिए थोड़ा बहुत तो उसको शक्ति अपनानी पड़ती है। अब रही बात इसी भगदड़ के दिन, और जहां पे ये हुई है वहां से 5 किलोमीटर दूर एक रोड एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत होती है, और कुछ लोग बेगूसराय के तथा कथित लोग राजनीति करने लगते हैं कि शायद इसी से जोड़ दिया जाए इसको और इस पे आयोजन को गलत बताया जाए। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था और किसी 5 किलोमीटर अथवा 8 किलोमीटर दूर की एक्सीडेंटल घटना को आप इस आयोजन से ना जोड़े, क्योंकि किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है इस तरह से। और रही बात कि प्रशासन इस बात को एडमिट कर चुकी है कि वो अलग घटना है और ये आयोजन पे जो भगदड़ हुआ ये अलग घटना है, दोनों को साथ साथ ना जोड़ा जाए। और रही बात ये कि जो अनाउंसर थे वहां पे, जो प्रोग्राम मैनेज कर रहे थे, मैं अमरिंदर कुमार अमर को भी बधाई देना चाहता हूं कि कितना उन्होंने निवेदन किया, हमने सारी उनके वीडियो फुटेज में देखा है। सुभाष कुमार कंगन हर साल वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं। और रही बात ये कि अगर आप बार बार आयोजकों को निशाने पर लेंगे तो समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने वाला कोई रहेगा नहीं, लोग बचेंगे इससे कटेंगे, अतः इस तरह के अफवाहों को ना उड़ाएं और शांति बनाए रखें। भड़ोल में जो घटना घटी है सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक युवक की मौत हो गई है, उस संबंध में क्या कहना चाहूँगा? यह बिल्कुल भ्रामक खबर है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि रुदौली के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी डेथ हुई है, और इस संदर्भ में उनके द्वारा आवेदन दिया गया जिसका केस लॉन्च किया जा चुका है, और खुद उनके परिजन एलेक्सिया में उसका पहले हॉस्पिटल एक्सीडेंट के बाद उन्होंने इसका इलाज कराया, फिर वो अपने घर आए और संबंधित भैया लॉन्च करके आदेश लोगों का कहना कि वो आप देखते रहिए बिहारी सुल्तान चैनल। बिहार के हर शहर के, यहाँ तक कि बेगूसराय हो उसके आसपास के शहर की हम ताजा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, पूरे देश की खबरें लेकर आते रहेंगे।
और आप इस चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। हो सकता है कि मेरे से बेहतर आपने वॉच किया हो और आप हमें बताएंगे, सुझाव देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।